तो देखिए जो ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है उसका सेल हम लोग कैसे चेंज करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सिंह 7883। दोस्तों, मेंटेनेंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, आज हमारे पास ये हैस्टर का फोकलिफ है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसका जो ब्रेक है ना, वो जो हमारा आदमी है मतलब जो ऑपरेटर है वो प्रेस कर रहा है तो वो ब्रेक नहीं लग रहा है, काफ़ी डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है। तो ये हम लोग मतलब प्रॉपर ब्रेक काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो हमने काम करे हैं वो मास्टर सिलेंडर जो इसका है ब्रेक का, उसको हम निकालेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या फॉल्ट है। तो और MHE से रिलेटेड, AWP से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, मतलब जो इसका हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले चेक कर लिया इसको प्रेस करके, ईजिली पूरा जा रहा है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा। तो हमने इधर इसका मास्टर सिलेंडर निकाल लिया है, उसको उसका सील कैसे चेंज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ईजी है सील चेंज करना उसमें। और हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है हमारा जो वीडियो है बहुत लेट आया है, तो अभी हम कंटिन्यू अपना वीडियो डालते रहेंगे फॉर मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम इसमें, हमारे पास ऑलरेडी सील है, ये हमने निकाल लिया है। जब हम इसको निकालेंगे तो इसमें एक रॉड होता है, ठीक है, वो तो बाहर निकाल लेंगे, वो तो बाहर ही होता है। तो यहाँ पे एक सर्किलिप होता है, सर्किलिप को हम निकाल लेंगे, जो हमने निकाल लिया है सर्किलिप प्लायर से, उसके बाद से इसमें ये पिस्टन होता है। तो उस समय क्या होता है ना, ये थोड़ा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग फंस जाता है तो ये अंदर ही होल्ड हो जाता है। तो हम स्क्रू ड्राइवर से उसको बाहर निकाल लेंगे, जो कि हमने, देखिए आप अभी दिख रहे होगा आपको, मैंने ये बाहर निकाल लिया है। ये स्प्रिंग इसके अंदर यूज़ होता है और ये पिस्टन है जो एक है, पिस्टन के जो हेड है उसी पे हमारा ये पिस्टन है। पिस्टन के डाउन साइड में आप देखेंगे वो सील लगा होता है, इसी को हम, वही प्रेशर क्या करता है, जनरेट करता है। और जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग प्रेस होता है। तो एक इसमें जो इनलेट है, एक आउटलेट, ठीक है। तो आउटलेट जो हमारा ऑयल जो जाके हमारा ब्रेक सिस्टम होता है व्हील का आगे वाला, उसको प्रेस करता है, ब्रेक ड्रम को ओपन करता है और ब्रेक अप्लाई होता है। तो ये हमारा ब्रेक का सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो इसका ब्रेक ऑयल जो होता है, ब्रेक ऑयल जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली .4, तो उसमें क्या होता है ना कि ये इसके जो मास्टर सिलेंडर के ऊपर इसका टैंक होता है, ठीक है, छोटा सा, जिसमें हम ब्रेक ऑयल यूज़ करते हैं। सील उसका था हमारे पास, उसको हमने चेंज कर दिया और हम फिट कर रहे हैं। तो फिट करने के बाद इसका प्रोसेस होता है ना, एयर हमको निकालना पड़ता है। तो एयर निकालने के लिए सबसे इजी है, पहले आप प्रेस कर दिए, ऑयल टॉप अप कर दिए, कैप हटा करके उसको हमें एक आदमी से उसको कंटिन्यू प्रेस करना पड़ता है। जो ब्रेक पैंडल है जो आपको दिख रहा है, इसको कंटिन्यू प्रेस करना पड़ता है। ये हम अभी फिक्स कर दिए हैं, हमने ऑलरेडी किया था, वो हमने नहीं बना पाया वीडियो में, ठीक है। उसको प्रेस किया जाता है और ये जो व्हील है फ्रंट वाला व्हील, वहाँ पे जो इसका ब्रेक सिलेंडर होता है वहाँ से हमें एयर प्रेस करके कंटिन्यू प्रेस रखा जाता है, उसके बाद एयर वहाँ से निकाला जाता है धीरे धीरे। ये दो तीन टाइम ऐसा करने पे एयर रिलीज होता है, हो जाएगा पूरा। उसके बाद फ्यूल टॉप अप करिए, उसके बाद ये चेक करिए। हमने गाड़ी सही कर दिया है, हम चेक कर रहे हैं ब्रेक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारा ये गाड़ी का ब्रेक ईजिली अच्छे से काम कर रहा है। तो ऐसे मेंटेनेंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए। अगर MHE इक्विपमेंट्स का प्रॉपर पूरे ब्रेक सिस्टम चाहिए आपको तो कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा।